राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा का मौसम शुरू होती बच्चों में टेंशन की एक लहर सी दौड़ पड़ती है। इसी के साथ ही अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, साथ ही खुद को साबित करने के लिए अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस करते हैं। एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को काफ़ी तनाव होता है, कितनी मेहनत कर रहे हैं पता नहीं, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। तो ऐसे में कुंडली में ग्रह दोषों की अशुभ दशा के कारण भी हो सकता है। आइए आपको बताएं कि परीक्षा में अच्छा करने के लिए कुछ उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बच्चों के एग्ज़ाम में अच्छे परिणाम आएंगे। और आइए चलिए बताते हैं आपको कि किन किन उपायों का प्रयोग करके छात्र अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम से 5 दिन पहले मीठी दही का सेवन करना चाहिए। परीक्षा में पास होने के लिए आपको अपने कमरे में सरस्वती माता का चित्र लगाना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले सरस्वती माता का हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करके ये कहें कि माँ, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं अपनी परीक्षा में अव्वल आ सकूँ। सूर्य भगवान की पूजा करें। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़े से चावल डाल लें, लाल चंदन डालें, फिर फूल मिलाएं, फिर सूर्य देव को अर्घ दें। यह उपाय काफ़ी लाभदायक होता है। इसे करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और एग्जाम में सफलता भी प्राप्त होती है। और आपको अपनी स्टडी टेबल पर खाने पीने की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने गले में माँ सरस्वती का यंत्र भी धारण कर सकती हैं। आपको बता दें कि एग्ज़ाम के दिनों में अपनी स्मरण शक्ति को अच्छा बनाने के लिए छात्रों को तुलसी के पत्तों में मिश्री मिलाकर खाना चाहिए। एग्ज़ाम में अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए गणेश चालीसा भी करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। गाय को गुड़ या आटा खिलाने से भी आपका एग्ज़ाम अच्छा प्राप्त होता है। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। जिस दिन परीक्षा है उस दिन सुबह के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और स्नान करें, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। एग्ज़ाम देने जाने से पहले अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लें, उनके चरण छुएं। इस तरह करके एग्ज़ाम के दिनों में आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और इन दिनों आपको बहुत खुश रहना चाहिए और मेहनत भी बहुत करनी चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही है, इसके साथ साथ आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपने तन मन में स्वच्छता और सादगी बनी रहे, इसके लिए आपको सकारात्मक माहौल की भी ज़रूरत है। थैंक यू।